आज से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिजिक्स एंड फिजिसिस्ट। तो पहले इसके अंदर हमको पढ़ना है यूनिवर्स के बारे में, मतलब ब्रह्मांड क्या होता है इसके बारे में। तो जो पुराने टाइम के आपके ग्रीक थिंकर्स थे उनका ये कहना था कि जो आपका मिल्की वे मतलब आकाशगंगा है इसको छोड़ के और कोई भी दूसरी गैलेक्सी दुनिया में मतलब यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब जो भी है हमारा ये मिल्की वे है और उसके अंदर अर्थ आपका बीच में है सोलर सिस्टम के और बाकी प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन सभी क्या अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पे इंडियन थिंकर्स ये बोलते थे कि नहीं, आपका जो यूनिवर्स है सिर्फ मिल्की वे तक सीमित नहीं है, ये बहुत अनलिमिटेड फैला हुआ है और क्या जो आपका मिल्की वे है उसके बीच में सन है और बाकी प्लैनेट सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और आपके जो ग्रीक थिंकर्स थे वो ये बोलते थे कि अर्थ कैसा है, आपका फ्लैट है, लेकिन हम ये बोलते थे इंडियन थिंकर्स कि अर्थ कैसा है, स्फेरिकल है। देखो जो भी हमारे पास आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम पे इन्वेंशन हुए हैं, जैसे हम बात करें एरोप्लेन के बारे में, वो किसने बनाया, राइट ब्रदर्स ने बनाया लगभग आज से 100 या 150 200 साल पहले। अगर हम बात करें एटम बम के बारे में तो पहली बार 1945 में जापान के ऊपर टेस्ट किया गया था, तो मान लेते हैं कि आज से वो 100 साल पहले स्टार्टिंग में बन गया होगा, तभी वहां से आगे बढ़ते बढ़ते 45 में टेस्ट किया गया। मतलब जितने भी हमारे पास इन्वेंशन है मॉडर्न टाइम पे वो मैक्सिमम 1700 से हमारे पास 2000 के टाइम तक के बीच में बने हुए हैं। लॉ ऑफ मोशन कब है, 16th सेंचुरी में आया। ये जितने भी हमारे हम लॉज या इन्वेंशन की बात कर रहे हैं इनको जो बनाने वाले हैं इन्वेंटर, लॉ ऑफ मोशन किसने दिया, न्यूटन ने दिया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। निकोलस टेस्ला ने क्या किया, आपकी रेडिएशन के ऊपर स्टडी किया। और थॉमस एडिसन ने क्या, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर स्टडी किया। इन जितने भी इन्वेंटर थे इन्होंने एक कॉमन बात बोली थी कि इन्होंने अपना जो स्टडी है वो कहां से स्टार्ट किया था, इंडियन वेद और भागवत गीता से स्टार्ट किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एक स्टेटमेंट में लिखा था कि जब भी उनको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती थी तो वो क्या भागवत गीता पढ़ते थे, जिससे उनको एक इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती थी जिससे वो क्या और अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते थे। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पहली बार खोजा था, उन्होंने क्या अपने एक स्टेटमेंट में लिखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जा सकती है ये क्या वेद में लिखा हुआ है। वेद में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कैसे कैथोड एनोड इन सब का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, ठीक है। जितने भी हमारे पास निकोलस टेस्ला तक ने भी ये बात बोला है कि जो उन्होंने अपना जितना भी स्टडी स्टार्ट किया था वो इंडियन वेद को लेके स्टार्ट किया था। भारतीय वेद और आपका जो श्रीमद भागवत गीता है इन दोनों को मिला दिया जाए या इन दोनों को अलग अलग भी आप पढ़ते हो तो दुनिया के अंदर अब तक जितने भी डिस्कवरी हुए हैं या होने वाले हैं सब आपको मिल जाएगी। जितने भी आपके इंडियन हो या फिर फॉरेनर थिंकर हो, आपके फिजिसिस्ट हो, केमिस्ट हो, जितने भी लॉ उन्होंने बनाए हैं सभी लॉ कहाँ से आए हैं, यहीं से आए हैं, ठीक है। उन्होंने खुद अपने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि हमने क्या किया है, इंडियन जितने भी वेदाज हैं और जितने भी हमारे पास भागवत गीता के श्लोक है उनको पढ़ पढ़ के उनके अंदर से क्या किया है, आप नए नए आविष्कार किए हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र वर्ड आपने सुना होगा, ये क्या उस टाइम पर प्राचीन टाइम पे यूज किया जाता था। तो आपके टाइम पे जो आप न्यूक्लियर मिसाइल बनाते हो जिसको नाम ब्रह्मास्त्र देते हो वो भी क्या वहीं से आया है, बुक में लिखा गया है कि कैसे उसको बनाना है, ठीक है। तो देखो बात है महाभारत के टाइम की 5000 साल पहले, आज से लगभग 5000 साल पहले, ठीक है। उस टाइम पे जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद भागवत गीता का ज्ञान दिया था तो उन्होंने अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की थी जिससे अर्जुन ये देख सकता था कि यूनिवर्स में सिर्फ आपका मिल्की वे एग्जिस्ट नहीं करता, इसके अलावा भी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी एग्जिस्ट करते हैं और उन मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का अलग अलग स्टार है, अलग अलग सन है, अलग अलग प्लैनेट्स है। उन्होंने ये बताया कि जो आप बोल रहे हो जो इस टाइम पे आगे कुछ 5000 साल के बाद जो आपके ग्रीक थिंकर्स ये बोलते थे कि सिर्फ हमारा यूनिवर्स मिल्की वे तक सीमित है, ये बात हमने इंडियन फिजिसिस्ट या इंडियन ने 5000 साल पहले ही जान लिया था कि नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास ब्रह्मांड अनंत है और गैलेक्सीज भी अनंत है, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर बताने के लिए नहीं है, इसको आप फील करो, इस चैप्टर का वेटेज नहीं है, लेकिन इसको आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि
कलयुग का शुरुआत कब हुआ, किस तारीख को हुआ, किस डेट को हुआ, ये बात भी पहली बार एक इंडियन ने ही बोला था, आर्यभट्ट ने। उन्होंने बोला कि कलयुग का शुरुआत फ्राइडे से हुआ था, उन्होंने डेट भी दिया था। ठीक है, तो देखो डेट आप पढ़ो, और क्या अब देखो ये 5-6 पेज का एक थ्योरी है नोट में, हम क्या करते हैं इसको आप इसका आपको पेज प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, वो फील करो कि जितने भी हमारे पास फॉरेनर्स बड़े बड़े नाम है, निकोलस टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, और क्या नील्स बोर, आइजैक न्यूटन, जितने भी बड़े बड़े नाम पिछले टाइम के हैं और या इस टाइम के हैं, उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट में बोल रखा है कि सबसे पहले उन्होंने स्टडी कहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसी को प्रोवाइड कर देते हैं, आप इसको पढ़ो और फील करो। इस चैप्टर का वेटेज नहीं है, लेकिन पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि हाँ इंडियन फिजिक्स और इंडियन जो फिजिसिस्ट थे वो कितने ज्यादा आगे थे। सन का पृथ्वी पर जो आता है, क्या बोलते हैं, लाइट जो आता है उसको कितने टाइम में वो आता है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, ये सब हम आज जानते हैं मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करके। लेकिन आज से लगभग 7,000 साल पहले वहाँ के जो इंडियन जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बता दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा। ठीक है, तो ये सब और स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या करो उसको अच्छे से पढ़ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स लगेगा, लेकिन अगर पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा। ठीक है,